घोसी का चुनाव रिजल्ट ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ये मोदी के पतन का कारण बनेगा और बीजेपी रसातल में जाएगी। कांग्रेस मुक्त भारत भारत करते करते ये खुद बीजेपी मुक्त करवा देंगे। तो ठेला चलाने वाला है, जूता सीने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, उसके बच्चे पढ़ ना पावें, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल में मिडिल जाते जाते थौंस जाए। किसके पास उतना पैसा है जो 3,000-4,000 रुपया महीना 5,000 अपने लड़कों को दे करके पढ़ाएगा? ऐसी चौबन शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकती है। उसके शिक्षा मंत्री तो गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया, क्यों नहीं कर लिया जाएगा? जो नेता बोल देगा सही, जो नेता सही बोल देगा उसको या तो जेल में जाना है या तो ईडी या सीबीआई के चक्कर काट। आज मैं निकला हूं G72 की जानिब से G20 के हालात जानने के लिए। अखबार रंगा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री के फोटो से, उनके कारनामों से, लेकिन जनता क्या सोच रही है? मैं खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता से खुद उनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो अखबार और टीवी में हमेशा सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री का जो नाम दे करके विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, हकीकत क्या है? आप खुद बताएं जरा सा, नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल राय है, पास के गांव परसा का रहने वाला हूं। बताइए कि जो आज पूरे अखबार में छपा हुआ है G20 के नाम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा कारनामा दिखाया जा रहा है, हकीकत में जनता के हित में ये हमारी सरकार ने कितना काम किया? देखिए, वैश्विक संगठन तो जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि एक देश दूसरे जो देश का आपस में सहयोग रहता है तो वो अच्छी बात है, भाईचारा और मित्रता बनी रहती है। लेकिन ये G20 के बहाने देश का अरबों खरबों रुपया जो बर्बाद किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, ये कार्यक्रम सीमित खर्च में भी हो सकता था। इस कार्यक्रम में सुनते हैं कि सोने और चांदी का बर्तन बनाकर खिलाया जा रहा है, क्या वो लोग सोने और चांदी के बर्तन में ही खाना खाते हैं हमेशा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी बहुत महान आदमी हैं, बहुत है। इनके जैसा बहुरूपिया देश में खोजने में दुनिया में नहीं मिलेगा। राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थानी पगड़ी बांधेंगे, बंगाल में आएंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर, अब वो दाढ़ी कहाँ गई रविंद्रनाथ टैगोर वाली? इससे साबित होता है कि ये बहुरूपिया आदमी है। इसने तो साहब वो कारनामे देश के लिए किया है, देश के लिए सबसे बड़ा कारनामा इन्होंने ये किया है कि फौज को भी ठेके पर दे दिया अग्निवीर बनाकर। नाम तो बहुत अच्छा अच्छा गढ़ते हैं ये लोग, अग्निवीर। भारतीय सेना क्या हमारा नाम खराब है? अग्निवीर। और उनकी आयु कितनी? 4 साल की। 4 साल की आयु में अब वो अग्निवीर क्या क्या अपना कर्तव्य दिखाएंगे बॉर्डर पे जब युद्ध लगेगी तो, अब ऊपर वाला ही जानता है। मोदी जी के पास पैसे की कमी नहीं है, कहते हैं हम चाय बेचने वाले हैं। नीरव मोदी को भगाया, ललित मोदी को भगाया, मेहुल चौकसी को कई हजार करोड़ रुपया लेकर भगाया, ये सब किसका पैसा है? ये मोदी की सेटिंग से गए हैं सब कि चलो सत्ता हमारी है, राज हम करेंगे और तुम लेकर निकल जाओ, वहां से हमको फंड में भेजते रहना चुनाव फंड के लिए पैसा। तो ये सब तो चल रहा है। अरे राहुल जी को पप्पू बनाते बनाते अपने गप्पू बन गया। एक बच्चा बच्चा भी जानने लगा कि ये मोदी नहीं गप्पू है, गप्पू है, पप्पू नहीं है, ये गप्पू है, गप मारता है खाली।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को समाप्त करने की नियत से इसने नया संसद भवन बनवाया और वहां क्या लिया, सिंबल साउथ इंडिया का वो राजदंड की छड़ी जो है वो सिंबल लेकर के वहां लगा दिया। बाबा साहेब के अंबेडकर से इतनी इनको नफरत है, जब ये सब माला पहनाने लगे बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर, तब हम समझ गए अच्छा कि बाबा साहेब अंबेडकर को ये समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये इतना बढ़ चढ़ करके मूर्ति लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। आज क्या है, बाबा साहेब के संविधान से आरक्षण खत्म, गरीब के बच्चे जो आरक्षण के आधार पर नौकरी पाते थे वो दे दिया अडानी को सब प्राइवेट में, जहां 40,000 की सैलरी उनकी बनती, अब 5,000-7,000 पे नौकरी कर रहे हैं। जहां तहां दंगा भड़का करके ये चाहते हैं कि हम सत्ता में आवें, क्या अमित शाह का बेटा जाता है तलवार लेकर सामने, योगी का भतीजा जाता है तलवार लेकर सामने, या किसी भाजपा के बड़े नेता के बच्चे जाते हैं त्रिशूल और भाला लेकर के मैदान में? नहीं जाते हैं, वो तो एयर कंडीशन में रहेंगे, कड़ी सुरक्षा के बीच रहेंगे, लेकिन मरेगा कौन, हमारे और आपके बच्चे। नारे तदबीर अल्लाहु अकबर और जय श्री राम का नारा लेकर के कूद पड़ेंगे सब, मरेंगे हमारे और आपके बच्चे, गरीब के बच्चे। और खास करके वो आदमी, वो इंसान मरता है जो अनजान जगह में जाता है, बाजार गया, हाट गया और दंगा भड़क गई और वो कहीं घिरा गया, उसकी हत्या हो जाती है इन दंगों में। और दंगा कर ये कराते हैं सब, मैं भुक्त भोगी हूं, देखा हूं अपनी आंखों से। अच्छा। मैं जब 14-15 साल का था तो मेरे पिताजी जूट मिल में सर्विस करते थे बंगाल में। वहां एक चापदानी जूट मिल है, चापदानी जूट मिल में रफीक जमदार थे उस जूट मिल के सभी दरवानों के सबसे बड़े हेड, और वो आदिलाबाद के रहने वाले थे, इसी आदिलाबाद के रहने वाले रफीक जमदार थे। वहां एक चंडाल चौकड़ी नाम से एक गुंडों का पार्टी थी, गुंडों की, दुर्गा विसर्जन के समय ट्रक लाइन से लगा हुआ था, और एक छोटवा नाम का आदमी साल ओढ़े हुए था, गाय का खुर कांखतर दबाए हुए था। जब रफीक जमदार के दुकान के सामने पहुंची, सेंचुरी साड़ी थी, दास गुप्ता, सेन गुप्ता, ब्रासलेट की धोतियां थी अच्छी अच्छी, बहुत बड़ी दुकान थी। वो कांख से गाय का खुर निकाल करके ट्रक पर फेंका और वहीं से दंगा भड़क गया, वही चमडाल चौकड़ी वालों ने किया। उस समय शायद पीसी सेन या पीसी सेन ही शायद मुख्यमंत्री रहे होंगे, या तो सिद्धार्थ शंकर राय रहे होंगे, और वहीं से दंगा भड़का, लूट लिए सब उनका दुकान, मुसलमानों की जितनी दुकानें थी लूटी गई। बाद में जब दबाव बना, प्रशासन सख्त हुआ, उस समय मोदी जैसा शासक रहा होता तो पूरी बस्ती ही साफ हो गई होती, लेकिन वो लोग थे, उनके अंदर ईमान था, उनकी नीयत ठीक थी, जो दंगा को तुरंत कंट्रोल किए। और ये चंडाल चौकड़ी वालों को धरपकड़ शुरू हुई तब ये सब नेहरू क्लब नाम बना दिए सब उसका, और ये वादा कि आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसमें देवकी सिंह थे, कैलाश चौधरी था, रघुनाथ दास था, बहादुरा था, और जवाहिर गुप्ता था, ये सब छटे हुए बदमाश थे वहाँ के। अभी जो हमारे इस उत्तर प्रदेश में गरीब औरतों को जो पेंशन आता था, तमाम चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें आपका क्या कहना है? जहाँ तक मेरी समझ है, एक बार मैं मोबाइल में देख रहा था तो देखते देखते ये देखने को मिला कि पेंशन की राशि जो फंड है वो प्रिंट मीडिया और आप गोदी मीडिया वाले नहीं ना हैं? नहीं, गोदी मीडिया वाले होंगे तो हाँ, तो वो पेंशन का फंड जो 60% केंद्र गवर्नमेंट देती है और 40%
प्रदेश गवर्नमेंट देती है वृद्धा विधवा और विकलांगों के लिए, तो उसमें से इन्होंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने प्रचार के लिए वो पैसा दे दिया। आज वो गरीब भूखे बूढ़े बेचारे हमसे पूछते हैं कि भैया अमर पिंसिनिया का भइल काहे ना आई, तो हम कहते हैं कि भाई ये बात है, पैसा नहीं है, जैसे थोड़ा इधर उधर से झटक मटक के जीएसटी उसटी इकट्ठा हो रहा है तो भेज रहे हैं सब, तो ये तो हाल है। तो इनका पेंशन ना नहीं, पैसा ही पैसा इनका गलत इस्तेमाल हो गया। हाँ, जिस फंड के लिए वो पैसा था उस फंड के अलावे अपने प्रचार में वो पैसे को लगा दिए, तो क्या होगा, कहाँ से आएगा पैसा? अब गरीब भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं, हर जगह इनको अपनी प्रचार की ई लगी हुई है। राहुल एक भी बात अगर अपने मुंह से निकाल देगा तो उसको 17 तरह से कमेंट करके दबाने की कोशिश करते हैं सब। वो पढ़ा लिखा आदमी है और सुनते हैं कि चारों पास नहीं है, ये भौकाल पे खाली चल रहा है। गरीब की रोजी रोटी कैसे छीनी जाए, नौजवान बेकार कैसे हो, नौजवान की शिक्षा कैसे बर्बाद हो, गरीब के लड़के प्राइमरी स्कूल से पढ़ पढ़ करके निकल निकल करके कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और ये लोग शिक्षा को इतना महंगा कर देना चाहते हैं कि गरीब जो ठेला चलाने वाला है, जूता सीने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, उसके बच्चे पढ़ ना पावे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल में मिडिल जाते जाते थौंस जाए। किसके पास उतना पैसा है जो 3,000-4,000 रुपया महीना 5,000 अपने लड़कों को दे करके पढ़ाएगा, जो 300 रुपया 400 रुपया डेली की कमाई करता है वो कैसे पढ़ाएगा? इनके बच्चे पढ़ेंगे, पैसे वालों के बच्चे पढ़ेंगे और वो कंपटीशन में आएंगे। ये गरीब के बच्चे अधिक ब्रिलियंट होंगे इनके बच्चों से अगर इन्हें सही शिक्षा मिल जाए। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? जूता सीने वाला दिन भर में 300-400 रुपया कमाएगा, वो अपने बच्चे को कैसे मेंटेन कर पाएगा, कैसे पढ़ा पाएगा? प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, खिचड़ी खाएंगे और थाली बजाते चले जाएंगे घर। देखिए दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, हम वहाँ कभी कभार जाते हैं, हमारे लोग वहाँ रहते हैं, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। क्या यूपी गवर्नमेंट ऐसी चाक चौबंद शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकती है? उसके शिक्षा मंत्री तो गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया, क्यों नहीं कर लिया जाएगा? जो नेता बोल देगा सही, जो नेता सही बोल देगा उसको या तो जेल में जाना है या तो ईडी या सीडी या सीबीआई के चक्कर काटते रहना है आने वाले 2024 में। अच्छा, ये घोसी में चुनाव जो हुआ है, रिजल्ट आया है, इस पे क्या कहना? घोसी का चुनाव रिजल्ट ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ये मोदी के पतन का कारण बनेगा और बीजेपी रसातल में जाएगी। कांग्रेस मुक्त भारत भारत करते करते ये खुद बीजेपी मुक्त करवा देंगे। एक जबान नहीं निकली उस इमरती रानी के मुंह से वहां नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में मणिपुर में वहां की हालत क्या है, औरतों को नंगा घुमा घुमा करके ये बीजेपी वाले। वहां बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता 6 महीना पहले से जाके डेरा डाले हुए था, हम भी समाचारे में सुने हैं, हम कोई आंखों से देखे नहीं है, डेरा डाले हुए था, प्लानिंग किया, प्लानिंग करके दंगा कराया, इतने हथियार लूटे गए, वो हथियार कहाँ इस्तेमाल होगा मालूम है? भविष्य में वो आरएसएस के सब जो आरएसएस में जो लौंडे डंडा लेके भाजते हैं उनके हाथ में दिया जाएगा। हमारी समझ है कि उनके हाथ में दिया जाएगा और कत्लेआम कराया जाएगा। क्यों नहीं हथियार एक बरामद हो रही है? कौन सा बहुत बड़ा यूपी जैसा वो राज्य है, चारों तरफ से आर्मी आर्म फोर्स घेर लेती, घेर करके पूरे घर की तलाशी लेती, निकलता, कश्मीर को घेर लेते हैं 6-6 महीना साल साल भर,
क्यों नहीं उस मैदानी इलाके को घेर रहे हैं जहां हथियार जवानों के लूट करके ले गए हैं लोग? तो ये लोग देश को देखिए, आपको नंबर देना कहा जाए कि इस सरकार को कितना नंबर देंगे? 0.000 देखा आपने, एक आम नागरिक की क्या हालात हैं, बहुत ही ईमानदारी के साथ देश के हालात को आपने बयान किया है। G72 का मकसद भी यही है कि देश के सही हालात को, जनता की आवाज़ को, जनता की मन की बात को प्रकाशित किया जाए, पेश किया जाए। उसी के तहत आज मेरी मुलाकात हो रही थी G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।